नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खरपतवार हटाने वाले निराई गुड़ाई मशीन के बारे में। तो इसके लिए हम सर से बात करने वाले हैं राजधानी एसोसिएट से कि इनकी जो मशीन है कैसे काम करती है, इसकी कीमत कितनी है और इसके जो मन फंक्शन है वो कैसे काम करेंगे। तो चलिए बिना उद्घात शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आप हमें इसके बारे में थोड़ा जानकारी बताइए कि ये कैसे काम करेगी। नमस्कार किसान साथियों, राजधानी एसोसिएट में आपका स्वागत है। ये निराई गुड़ाई मशीन है। आजकल सबसे ज़्यादा समस्या रहती है खरपतवार की, जैसे गन्ना हुआ, कपास हुई या सब्जियां वगैरह अपने लगा रखी है उसमें खरपतवार ज़्यादा उग जाती है, अपने पेड़ पौधे कम रह जाते हैं। उसका एक रामबाण उपाय है ये। बहुत ही अच्छी मशीन है, 18 इंची इसकी चौड़ाई है। 18 इंची से अगर आपके कम भी हो फसलों के बीच की दूरी तो आप इसकी साइड की ब्लेडें खोल के आप काम में ले सकते हो। ये 62 cc का पेट्रोल ऑपरेटेड 2-स्ट्रोक इंजन आता है, बढ़िया, इसमें अच्छा खासा पावर आता है और इससे आप आराम से निराई गुड़ाई कर सकते हैं। अगर सर एक किसान इसे चलाता है तो एक दिन में इसे कितनी जगह की निराई गुड़ाई कर सकता है? एक किसान अगर इसको आराम से ऑपरेट करता है तो 4 से 5 बीघा आराम से निराई गुड़ाई कर सकता है और ज़्यादा पेट्रोल खपत भी नहीं है इसकी, घंटे का 1 लीटर के आसपास पेट्रोल खपत है। सर, इसकी कीमत अभी कितनी आपके द्वारा है? इसकी कीमत 22,000 रुपये है और ये हम आपको होम डिलीवरी पर अवेलेबल कराते हैं और हमारे यहाँ शोरूम पे आके आप लेना चाहें तो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो सर, जैसे किसानों का एक सवाल रहता है कि हमारे यहाँ की ज़मीन ऐसी है, राजस्थान की ज़मीन थोड़ी रेतीली है, तो वो थोड़ा किसानों का सवाल है, तो आप हमें बताइए कौन कौन सी मिट्टी से ये निराई गुड़ाई कर सकता है? ये लगभग सभी मिट्टी में निराई गुड़ाई कर सकता है, फिर भी जैसे कहीं ज़्यादा हार्ड ज़मीन होती है, जैसे गार की ज़मीन अपन बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा पानी का छिड़काव करके अपन इसको काम में ले सकते हैं, तो इजीली काम में दे देगा आराम से। जैसे कई MP साइड में या कहीं ये पथरीली ज़मीन का थोड़ा सा इशू रहता है तो कई किसान ये भी पूछते हैं कि ये पत्थर में खराब उराब होगी कि नहीं होगी, तो जैसे मोटे पत्थर आते हैं थोड़ा सा ब्लेड जाने का डर रहता है और छोटे कंकड़ वगैरह रहते हैं उनमें कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है। तो कौन कौन सी फसलों से हमारे किसान इससे खरपतवार निकाल सकते हैं? जिन फसलों के बीच की दूरी 18 इंची या उससे ज़्यादा हो उनमें गुड़ाई कर सकते हैं, जैसे कपास आ गई, सब्जियां आ गई या बाग बगीचे लगा रखे हैं तो पेड़ के चारों तरफ का आ गया, उनमें आराम से खरपतवार हटा सकते हैं। तो सर, आप हमें एक बार ये चला के बताइए कैसे काम करेगी और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है इसका? बिल्कुल, ये वही रिकॉइल स्टार्टर का सिस्टम है। अपन रस्सी खींच के इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये स्टार्ट हो गया, ये इसका एक्सीलेटर आता है, ये एक्सीलेटर जितना दबाएंगे उतना ब्लेड घूमेगी और आगे आराम से इसको अपन मूव कर सकते हैं। बंद करने का सिस्टम हो, इस हिसाब से ये ऑपरेट होता है। जितना अपन एक्सीलेटर उसको पुश करेंगे उतना ये घूमेगी। बंद करने का सिस्टम हाथ में स्विच है, तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये पेट्रोल ऑपरेटेड इंजन आता है, तो इसमें अगर कोई दिक्कत आती है किसान भाई को तो वहाँ लोकल मोटरसाइकिल के मैकेनिक से भी ठीक करवा सकता है। हमारे यहाँ से वो ठीक करवाना चाहे तो यहाँ इसको भिजवा दें, हम यहाँ से ठीक कर देंगे। सारे पार्ट्स वगैरह मेंटेन करते हैं इसमें। आपको मान लो कुछ भी पार्ट्स चाहिए तो हमारे को व्हाट्सअप पर वो फोटो भेज दें और उसके बिल नंबर भेज दें तो हम एड्रेस पर कुरियर करवा देते हैं। इसको पावर वीडर बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हैंडल आता है, हैंडल स्मूथ आता है। अगर हैंडल को अपन हाइट के अनुसार एडजस्ट करना चाहें तो ये एडजस्टेबल है, जैसे घुमाना भी चाहें तो इसको इधर उधर घुमा सकते हैं, इसको अपन खड़ा करना चाहें कर सकते हैं। हाथ में एक्सीलेटर आता है, आराम से इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल अगर एक्सीलेटर रहेगा तो ये घूमेगा नहीं, अपन एक्सीलेटर इसको जितना दबाएंगे उतना ही तेज घूमेगा। इसमें लॉक करने का सिस्टम भी आता है, हम अगर इसको लॉक करना चाहें तो एक्सीलेटर लॉक हो जाएगा, फिर ये घूमता रहेगा। बंद चालू करने का यहाँ स्विच है। ये इसको ऊपर इसलिए लगाया हुआ है, एयर फिल्टर है कि नीचे जैसे मिट्टी वगैरह उड़ती है तो ये चौक नहीं हो, इसलिए इसकी थोड़ी सी दूरी ऊपर दी गई है। बाकी इसके टायर हैं, जैसे अपने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो स्मूथली अपन आराम से इसको मूव करके ले जा सकते हैं, आराम से इसको चला सकते हैं। इसका बढ़िया हेवी इंजन आता है, 62 cc का इंजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, इसकी ब्लेडें वगैरह हैं वो मजबूत लोहे से बनी हुई है, अगर इनमें धार भी लगवाना चाहें बाद में तो धार भी लग सकती है, चेंज करवाना चाहें तो बोल्ट खोल के आराम से इसको चेंज भी कर सकते हैं। सर्विस का ये रहता है, जैसे 8-10 घंटे चल जाए तो यहाँ कार्बोरेटर आता है इसका, तो कार्बोरेटर को आराम से आप इसको खोल के इसको पेट्रोल से साफ करके वापस लगा सकते हैं। ये रिकॉइल स्टार्टर है, ये इसका टैंक है और सबसे बढ़िया इसमें यह है कि इसका जो एयर क्लीनर है वो ऊपर लगाया हुआ, अगर यहाँ नीचे होता तो थोड़ा डस्ट वगैरह आती तो बार बार चौक होने का डर रहता, अब वो चौक होने का डर नहीं है, यहाँ है, इसको आप आराम से आसानी से खोल के इसको साफ़ भी कर सकते हैं। तो सर, आप हमें बताइए इसकी जो टैंक की कैपेसिटी है वो इसकी कितनी है?
इसकी 1.25 लीटर टैंक कैपेसिटी है। ये 2 स्ट्रोक इंजन होने के कारण 1 लीटर में 35 ml टूटी ऑयल मिक्स करके इसमें डालना होता है। ये घंटे भर में 1 लीटर के आसपास इसकी पेट्रोल खपत है। तो सर एक चीज़ और, एक अगर कोई किसान अगर किसी कोई चलाते वक्त ख़राब हो जाता है, अगर कोई मिस्टेक आ जाती है, तो वो क्या अपने जो सामान्य मिस्त्री हैं उनसे ठीक करवा सकता है इसको? बिल्कुल, ये नॉर्मल बाइक मैकेनिक से ठीक करवा सकते हैं। और मान लो उनके भी थोड़ी बहुत समझ में कम आती है तो आजकल वीडियो कॉल की फैसिलिटी है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, हमारे टेक्नीशियन उनकी पूरी हेल्प करेंगे। किसान भाई, आशा करता हूँ कि आपको हमारे इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। और यदि आप इस वीडियो को खरीदना चाहें या इसके बारे में अधिक जानकारी चाहें तो आप राजधानी एसोसिएशन के जो हम स्क्रीन पर नंबर हैं, आप उन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।